हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिआं नूं पंजाब मेड वी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करदे आ ते अज गल करांगे दुनिया दीआं सब तों रहस्यमई थावां विच्चों इक थां गीजा दे पिरामिड बारे जिन्हां बारे हले तक भी विज्ञानी पूरी तरह नहीं जाण सके सो इस करके ही इह हले भी रहस्यमई विशा बणिआ होइआ है सो इस बारे ही अज आपां पूरी गल करांगे सो वीडियो नूं जेकर तुसीं लास्ट तक देखदे हो तां तुहानूं बहुत कुछ नवां सिखण नूं मिलेगा यह इस करके रहस्यमई ने क्योंकि इस बारे अज के विज्ञानियों नूं भी पूरी तरह पता नहीं लग्या कि यह अज तो हजारां सालां पहला इस तरह की साइंस एकूरेट बिल्डिंग किमें बनाई गई है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा नाल एलियना दा नाम भी जुड़ता है ते इत्थे इन्हां पिरामिडा तो बिना होर भी कई कलाकृतियां ने जो काफ़ी हैरानीजनक ने उस समय उन्हां कोल अजही की टैक्नोलॉजी सी जिस नाल उन्होंने पिरामिड नूं बिल्कुल खास तारियां दे थल्ले बनाया ते किवें इह चारे दिशावां वल स्टीक ने मतलब सारियां दिशावां दे बिल्कुल विचाले बनाए गए उन्होंने किवें पूरी दुनिया नूं माप लिया सी। सो इन्हां गल्लां दे नाल नाल अज आपां इन्हां बारे होर भी कई रहस्यमई गल्लां करांगे जिन्हां बारे शायद तुहानूं पहलां नहीं पता होवेगा। सो गल करदे आं प्राचीन मिस्र दे लोक उस समय भी बाकी दुनिया तों थोड़े अगे सी उन्हां दा रहिण सहिण ते टैक्नोलॉजी उस समय दुनिया तों अगे सी। उस समय मिस्र दे वासियां ने खेतीबाड़ी करनी ते समान नूं इधर उधर लिजाण लई पाणी वाले जहाजां दी खोज कर लई ते इह सभ्यता 3150 ईसा पूर्व विच दुनिया ते आई ते अगली 3 सदियां तक विकास कीता। इह लोक नील नदी ते रहिण करके खेती सौख्या ही कर लग गए क्योंकि वह धरती उपजाऊ सी ते दस्या भी जांदा है कि आवाजाई दे कुछ साधना दी खोज भी इन्होंने ही की एक थां तो दूजी थां ते समान ढोण लई ते अज दे समय जिसनूं असीं बीयर कहने आ इस दी खोज भी मिस्र वासियां ने ही कीती सी। उस समय इन्हां दा मुख भोजन रोटी ते बीयर हुंदा सी ते प्राचीन मिस्र दे लोक धार्मिक ते पुनर्जन्म विच बहुत यकीन रखदे सी जिस कारण इह मरे हुए इंसान दी ममी बना के रखदे सी मतलब एक मरे हुए इंसान नूं खास चीज़ां दे लेप नाल बन्न के ताबूत दे विच रखना ते उस विच मरे हुए इंसान दी हर एक पसंदीदा चीज़ रखी जांदी सी जिवें खाणा पीणा कपड़ा सोना चांदी ते होर सुंदरता दा समान ते इह उह इंसान दे शरीर दे कुछ अंग जिवें किडनी लीवर ते दिमाग नूं पहलां ही कढ लैंदे क्योंकि उह मानदे सी कि इंसान दिल नाल ही सारे दुख सुख अनुभव करदे ने इस करके उह नक राहीं दिमाग नूं बाहर कढ लैंदे जेकर किसे राजे जां राणी दी मौत हुंदी तां उन्हां दी ममी नाल उन्हां दे नौकरां नूं भी जिउंदा दफना दिंदे क्योंकि उन्हां दा मनना सी कि जेकर उह जिउंदे होण तां नौकर उन्हां दी सुरक्षा लई उन्हां दे नाल रहणगे ते इह पुनर्जन्म तों ही मिस्र दी पिरामिड नूं जोड़िया जांदा है ते इक थ्योरी इह भी मन्नी जांदी है कि इह इक पावर प्लांट था जिस तों बिजली बनाई जांदी सी ते इजिप्ट दे लोकां ने बिजली बनाउणी सिख लई सी उस समें विच ते इस थ्योरी नूं मनाउण लई इन्हां दे आर्ट वर्क भी दिखाए जांदे ने जो कि इक बल्लब दी तरह दिखदे ने ते इह आर्ट वर्क उत्थों दे पुराने टैंपलां ते देखण नूं मिली है पर इस दा कोई ठोस सबूत नहीं मिलिया जेकर उन्हां ने बल्लब बनाया सी तां उस दे कोई अंश नहीं मिले तां इस करके इह इक सिर्फ थ्योरी ही रह जांदी है। वैसे सारिआं नालों ज़्यादा स्टीक जो थ्योरी मनी जाती है वह यही है कि यह एक मकबरे के तौर पर बनाया गया सी जिन्ना आलीशान बनाया जाएगा जिन्ना सारा भंडार उस कोल रखा जाएगा उन्नी ज़्यादा वधिया लाइफ होगी साढ़े राजे की मरण तो बाद या पुनर्जन्म तो बाद। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो कि फेरो खुफू ने बनाया सी ते दूजा पिरामिड ऑफ खाफरे जिसनों खुफू के मुंडे खाफरे ने बनाया सी ते तुहानूं दस दिए कि एशियंट इजिप्ट विच जो राजे महाराजे होंदे सी उन्हां नूं फेरो करके बुलाया जाता सी ते तीजा पिरामिड ऑफ मेन कौरे जिसनों खाफरे के मुंडे मेन कौरे ने बनाया सी। सो मिस्र के पिरामिड विच इन्नियां मिस्ट्रियां छुपियां हुई ने कि यह इतफाक नहीं लगता इन्हां दे पिछे दा सच जो हुण तक सामने आया है उस बारे तुहानूं दस्सदे आं। सो इजिप्ट दे पिरामिड मास्टरपीस ने कारागरी दे इन्हां नूं स्टडी करन तो बाद कुछ चीज़ां सॉल्व होईयां ते कुछ चीज़ां हले भी अधूरियां ने। दस्या जांदा है कि इन्हां विचों सब तो वड्डा पिरामिड है जो उस विच 23 लख दे करीब पत्थर लगे हुए ने ते एक पत्थर दा सहज 3 हाथियां दे बराबर है जिसनूं मूव करना अज दे समें विच काफ़ी मुश्किल है ते इह 2700 किलो तो लैके 70000 किलो तक दे वजन वाले पत्थरां दे ब्लॉक ने ते अज दे समें दे आधुनिक क्रेन भी वध तो वध 20000 किलो तक दा ही वजन उठा सकदे ने पर इह पिरामिड अज तो 4000 साल पहला बनाए गए ने। उस समें इह कारनामा किवें कीता गया ते इही कारण है कि इस नूं एलियन नाल जोड़िया जांदा है। असमान विच इक ओरियन बेल्ट नाम दे 3 तारे ने जो कि इन्हां
तीन पिरामिडा नाल सिंक करते ने, जिमें कि उन्हां विचों एक तारा बड़ा ते फिर उस तो छोटा ते तीजा सब तो छोटा, उसी तरह यह पिरामिड ने। इन्हां नूं बनाउण विच 23 लाख नॉर्मल पत्थर, 50 टन ग्रेनाइट पत्थर ते कई टन लाइम स्टोन की वरतों की गई है। यह पिरामिड 146.6 मीटर 480 फुट लंबा है। इन्हां पिरामिडा की नींह मजबूत करनी सब तो जरूरी काम सी, ते उस तो बाद उसका लेवल कढ़ना भी बहुत जरूरी सी, जिसलिए उन्होंने यह औजार वरत्या जिसनों जमीन ते रख के देखते हैं कि जमीन कितनी समतल है। इस तो बाद अज तो 4500 साल पहला जिस समय कंपस नहीं बने सी, उस समय इजिप्ट दे लोकां ने अजिही बिल्डिंग खड़ी की जो चारे दिशावां वल बिल्कुल सेम है। इस विच 0.05 डिग्री का फर्क है, जो कि समय के नाल नाल धरती दीआं प्लेटां खिसकण कारण भी पै सकता है। तो बहुत सारे विज्ञानियों का यह भी कहना है कि उस समय के लोगों ने तारियां दीआं दिशावां नाल चारे दिशावां का पता किया होगा, या फिर परछावियां की टैक्नीक नाल भी यह पता किया जा सकता है। तो दावा यह भी किया जाता है कि उस समय यह पिरामिड नूं बनने लई सिर्फ 20 साल लगे ने, जो कि बहुत सारिया वीडियो ते डॉक्यूमेंट्रियां विच भी दिखाया गया है। तो इत्थे काम करन वाले गुलाम सी जिन्हां नूं बहुत धक्के नाल यह प्रोजेक्ट बनाउण लई लगाया गया, पर असल विच वह लोग अपने राजे दे वफादार सी जो खुशी खुशी यह काम करते रहे। उन्हां नूं पूरा वधिया खाणा दिता जांदा सी ते वह लोग बाकी लोगों तो ज़्यादा तकड़े सी। यह बाद विच उन्हां दीआं हड्डियां तो पता लगाया गया ते इन्हां दे सट बजण ते ऑपरेशन भी किए गए। उन्हां दीआं टुट्टियां हड्डियां भी जोड़ियां हुई सी। वह मजबूरी विच काम नहीं करते सी, वह पूरी तरह हाई स्किल वाले लोग सी। इस दी मरम्मत लई लगभग 1 लाख दे करीब मजदूर ने 20 साल तक दिन रात काम किया जिन्हां ने। इत्थे गल सब तो बड़े पिरामिड की हो रही है, जो पत्थर उत्ते लगाए गए ने उन्हां नूं कट्टण लई जो टूल वरते गए वह कॉपर दे बनाए जांदे सी। पत्थर कट्टण लई उस पत्थर का गैप देखा जांदा सी ते उस गैप विच सुक्की लकड़ी दे पीस फसा दिते जांदे ते उन्हां विच पानी पाया जांदा ते लकड़ी फुल्लण ते पत्थर विचों टुट जांदा सी। इन्हां पत्थरां नूं लिआउण लई नदी विच लकड़ उत्ते रख के इन्हां नूं धरती उत्ते लियांदे ते इस बारे पता लग्या इन्हां दे पुराने चित्रां राहीं, जिवें बर्फ ते स्केटिंग कीती जांदी है इसे तरह रेत ते भी कीती जा सकती है, पर जे भारी चीज़ नूं खिसकाउणा होवे तां उस समय रेत विच सही मात्रा ते पाणी होणा चाहीदा है, जिस नाल असीं किसी भी चीज़ नूं आसानी नाल उस ते मूव करके लिजा सकदे हां, जिवें कि तुसीं इह चित्र राहीं समझ सकदे हो। सो हुण उन्हां ने उस समय पत्थर खिसका तां लए होणगे, पर इन्नी उत्ते पचाए किवें होणगे जो 3 हाथियां दे बराबर एक पत्थर सी। सो इस नूं अपने इत्थे विज्ञानियों ने बहुत सारिया थ्यूरिया विच सॉल्व किया है ते इह सारिया जेन्युइन थ्यूरिया ने जिन्हां नूं मन्निया जा सकता है। इन्हां ने एक ढलाण बनाई होवेगी ते उस नूं पिरामिड की उचाई दे नाल नाल लंबा करते गए होणगे ते इह आर्ट राहीं तुसीं समझ सकदे हो कि पत्थर उत्ते लिजाण लई इन्हां ने लकड़ी के डंडे लगाए होणगे ते रस्सियां नाल खैंच पा के उत्ते लै गए होणगे। ते एक थ्यूरी कहिंदी है कि इन्हां ने पत्थर नूं एक दूजे दे उत्ते रखण लई एक लीवर का इस्तेमाल किया होवेगा, जिवें कि तुसीं इह पिक्चर विच देख सकते हो, जिवें एक कैमरे की क्रेन हुंदी है। ते इही थ्यूरी नाल लोग पानी कढ़ण का इस्तेमाल भी करते रहे ने। ते हुण एक पासे कहा जांदा है कि यह पिरामिड 20 साल विच तैयार किए गए ने, पर हुण इन्हां थ्यूरियां दे हिसाब नाल 20,000 लोग जेकर एक एक पत्थर करके इन्हां पिरामिडा तक पहुंचाउंदे ने तां हर 3 मिंट बाद एक पत्थर सिरे तक पहुंचना चाहिए, वह भी बिना रुके पूरा साल, मतलब 1 घंटे के 20 पत्थर ते 12 घंटे के 240 पत्थर। सो की तुहानूं लगदा कि हुण इन्हां थ्यूरियां दे हिसाब नाल इन्नी स्पीड नाल काम किया गया हो सकता है, या फिर यह गलत होगा कि यह 20 सालों विच तैयार होया है। सो यह बनाउण वालियां थ्यूरियां सुनने विच बहुत हद तक सही लगदियां ने, पर हले तक भी यह मिस्ट्री बनिया हुई ने। तो इन्हां विच बहुत सारियां सुरंगां बनिया हुई ने, जिन्हां विचों सब तो बड़े पिरामिड विच 3 ही डिस्कवर कीतियां गईयां। तो एक बार विज्ञानियों ने इस विच रोबोट भेज के देखा कि अंदर है की है, ये तो पता लगे ते अंदर जाते उसनु टनल बंद दिखी जिस विच इस तरह के कुछ निशान दिखे। तो इस तो बाद उन्होंने इस पत्थर विच एक छेक किया ते स्पैशल रोबोट बना के भेजा ते फिर उन्होंने एक कमरा दिखाया जो कि इस तरह का दिखता है। इसनु कैप्चर करते ही कैमरा खराब हो गया ते हुण जो 3 टनल ने उन्होंने 3 चैंबर मिले ने, सब तो थले बेस चैंबर ते उसके उत्ते क्वीन चैंबर ते सब तो उत्ते किंग चैंबर मिलिया है, जिस दे अंदर होर किन्ने चैंबर होणगे इह हजे पता नहीं है। ते इह सारियां सुरंगां दे सिरे आसमान विच कुछ खास तारियां वल ने, जिस करके मन्निया जांदा है कि उस समय दे लोक इह मानदे सी कि इत्थे अपने राजे राणी नूं दफनाउण नाल उहनां दी आत्मा तारियां वल जावेगी ते उहनां नूं दुबारा जिउंदा होण विच मदद होवेगी। इन्हां पिरामिड दे अंदर नैचुरल एसी लग्गिया होया है, मतलब इजिप्ट एक रे
रेगिस्तान है ते गर्मी भी बहुत ज्यादा होंदी है, पर बाहर जिन्नी मर्जी गर्मी होवे इन्हां पिरामिडां विच 20 डिग्री तापमान बनिया रहेगा जो कि धरती का सब तो एवरेज तापमान है। ते इत्थे कंधां उत्ते बहुत सारे चित्र बने हुए ने जिन्हां विच काफ़ी सारे अजीब भी ने, जिवें कि कुछ जहाजां दीआं तस्वीरां, अजीब इंसानां दीआं कलाकृतियां। यह तस्वीर भी उस समय बारे बहुत कुछ दसदियां ने। यह राजे मानते सी कि इस तरह के पिरामिड बना के उन्हां विच कबर बना के दूसरी जिंदगी मिलती है या फिर कह लो पुनर्जन्म। सो यही कारण है कि पूरे इजिप्ट विच इस तरह के 118 पिरामिड बनाए गए ने, जिन्हां विचों मशहूर यह 3 ही ने। 12वीं सदी के अंत विच इन्हां पिरामिड नूं खत्म करन दी योजना भी बनाई गई जो कि इजिप्ट दे ही एलाजीज नाम दे सुल्तान ने बनाई सी, पर उसने हार मान ली क्योंकि जिन्हां लोकां नूं एलाजीज ने एक काम सौंपिया सी उन्हां तों हर रोज एक दो पत्थर ही बहुत मुश्किल नाल टुटदे ते 8 महीनियां विच उन्होंने हार मान ली। पर सब तो छोटे पिरामिड विच इह वड्डा खड्डा जरूर पै गया। ते तुहानूं दस दईए कि सब तो वड्डे पिरामिड का कुल वजन 57,50,000 टन है। ते जे होर किसी इमारत नाल इसकी तुलना करिए तो अज दे समय की बुर्ज खलीफा इमारत का कुल वजन 5,00,000 टन है। बेशक अज कई हजार साल बाद यह टुटे फुटे जे नज़र आ रहे ने, पर असल विच यह इस तरह के नहीं सी। यह बहुत ही कमाल दे दिखते सी उस समय। इन्हां दी बाहरली परत सफेद लाइम स्टोन नाल बनी हुई सी जो रोशनी पैण ते बहुत ज्यादा चमक दिंदी सी, जो हुण इन्ने हजार साल बीतण तों बाद खराब हो चुकी है। पर यह खाफरे के पिरामिड के उत्ते उत्ते थोड़ी बहुत बची है। इन्हां पिरामिड का सूरज नाल भी अजीब इतफाक है, जिमें कि 21 जून सब तो बड़ा दिन होंदा है। इस दिन शाम के समय सूरज इस मूर्ति के बिल्कुल सिर के पिछे छिपदा है। तो यह बहुत ही कैलकुलेशन वाला काम है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके नाल कीता गया है। यह जिसका सिर है इसनू द ग्रेट स्फिंक्स कहिंदे ने, जिसका चेहरा इंसान का है तो बाकी शरीर जानवर का। इसनू एक पत्थर नू कट के बनाया गया है। तो यह बनाया क्यों गया है इस बारे अज तक पता नहीं लग्या। यह कई हजार साल तक रेत विच ही ढकया होया सी। ते साल 1900 विच इस उत्तों सारी रेत हटा के इस नूं कढ़िया गया। ते इस दा चेहरा हुण काफ़ी नुकसानिया गया है, पर 4000 साल पहला यह कुछ इस तरह दिखता होगा। एक खाफरे दे पिरामिड दे सामने है। इसनू खाफरे दी मूर्ति भी दस्या जांदा है। ते धरती दा दोनों पासे दा सेंटर इत्थे जुड़दा है। इह लाइनां एक पासे डीप ब्लू ओशन विच जुड़दियां ने ते दूजे पासे इजिप्ट नाल जुड़दियां ने। जिथे इह पिरामिड बने हुए ने इह बहुत ही हैरान करन वाला है क्योंकि उस समय तां इह भी नहीं पता सी कि धरती गोल है। तां इस समय धरती दे सेंटर विच इह पिरामिड किवें बनाए गए, या फिर हो सकदा है कि उह लोक उस समय साडे नालों ज्यादा जानते हो, सानू ही हुण पता लग्या होवे। की पता उन्हां कोल साडे नालों भी ज्यादा पावरां होण, साडे नालों ज्यादा एडवांस होण। टी वी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पहला ही इस बारे सारा कुछ पता कर लिया होवे खुफिया तरीके नाल कि इस दे अंदर की है, क्यों बनाया सी, किस लई सी। मतलब वह इन्हां बारे वह कुछ जानते होण जो लोगों नूं नहीं पता, ते लोगों नूं इस बारे पूरी जानकारी ना दिती गई होवे क्योंकि यह पूरी दुनिया के टूरिज्म नूं खिंचण दा इक केंद्र ने। क्योंकि हो सकता है कि वड्डे लोग यह चाहते ही ना ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹੋਰ ਉੱਠਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।